पति चैनल पर आपका स्वागत है। आज से 2400 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 350 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ। वो शिक्षा ग्रहण किया और तक्षशिला में एज ए प्रोफेसर, एज ए आचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उनके बहुत से शिष्य थे जिनको उन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया। अब हम मानव के लिए उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई। आदमी को हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो जीवन निरर्थक है। अपने उद्देश्य की, हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य हो और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें। अब वह उद्देश्य चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, सभी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए अपने आप को दांव पर लगा दें, अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएं। अब आपकी महत्वाकांक्षा अगर राजनीतिक है, तो राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आप दिन रात प्रयास करें और आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। चाणक्य जी कहते हैं, अगर हमें उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो चाहे वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सहारा लेना पड़े, या कर, बल और छल का सहारा लेना पड़े, या साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लेना पड़े, तो हमें करना चाहिए। हमें अगर राष्ट्रभक्त बनना है, हमें देश की सेवा करना है और अपने दुश्मन को परास्त करना है, तो हमें सभी नीतियों को अपनाना चाहिए और अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। राष्ट्र के लिए कुछ भी आप करें, लेकिन राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से आप समर्पित रहे, यह चाणक्य जी का उद्देश्य था और उसमें चाणक्य जी सफल हुए। चाणक्य जी के बहुत से शिष्य थे। जब वो तक्षशिला में प्रोफेसर थे, उसमें से एक शिष्य चंद्रगुप्त भी थे। चंद्रगुप्त के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आचार्य चाणक्य जी ने सारी नीतियों को लगा दिया और अंत में सफल भी हुए। इसी तरह से हम इंसानों को चाहिए आज कि अगर हमको राजनीतिक स्तर पर सफल होना है, तो चाणक्य जी के अनुसार चलना है, और आर्थिक स्थिति के अनुसार, आर्थिक स्थिति की अपनी मजबूत करनी है, तो हमें चाणक्य जी के अनुसार चलना पड़ेगा। अर्थ में क्या करना है, चाणक्य जी कहते हैं, देश की जीडीपी सभी लोग देखते हैं, लेकिन अपने घर की जीडीपी नहीं देखता। जीडीपी क्या होती है, सरल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो देश की जीडीपी क्या होती है, देश की जितनी कमाई है और कितना खर्चा है, कितनी बचत हो रही है, इसी को कहते हैं जीडीपी। अब यही जीडीपी आप अपने घर में ले लीजिए, हमारे घर की जीडीपी कितनी है, यानी कि हमारे घर में सभी सोर्सों से कितनी कमाई है और हम कितना साल भर में खर्चा करते हैं और कितना हम बैंक बैलेंस करते हैं, यही हमारी है जीडीपी। तो हमारा बैंक बैलेंस कितना हर साल बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस पर हमको ध्यान देना है। अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो हम आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत होंगे और हर कार्य करने में सफल होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। एक व्यापारी है, व्यापार करना चाहता है, वो व्यापार कैसे करे, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इंडस्ट्री कैसे लगाए। देखिए, मार्केट में हर चीज के प्रोडक्ट हैं और उनका नेटवर्क भी है, उनकी एक क्वालिटी भी है और उनकी एक सेलिंग भी है। तो जो मार्केट में पहले से प्रोडक्ट हैं, उनकी अच्छी तरह से स्टडी हो, स्टडी करने के पश्चात
उसकी क्वालिटी कैसे है माल की, उससे बेटर बेटर क्वालिटी आप दीजिए। उसकी मार्केटिंग नेटवर्क कैसी है, उससे बेटर मार्केटिंग नेटवर्क दीजिए आप, तो आपका व्यापार चल जाएगा। व्यापार की सफलता के लिए मार्केटिंग नेटवर्क, उसकी पैकिंग कैसी है, आप उसे बेटर पैकिंग दीजिए, तो आप व्यापार में सफल हो जाओगे। तीसरी बात चालक जी कहते हैं, यदि आपका उद्देश्य शिक्षा का है, या आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आप शिक्षा दे रहे हैं, दो चीजें। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अपने टीचर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, ज्ञान को आप इकट्ठा करें और रेगुलर स्टडी करें। जो भी आज जानते हैं प्रथम श्रेणी में लड़का कैसे पास होता है, वो अपने सिलेबस को बहुत अच्छी स्टडी करता है। जब सिलेबस को स्टडी करता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस के अंदर आते हैं, 99% क्वेश्चंस सिलेबस के अंदर आते हैं। अगर आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रखा है, उसका मंथन कर दिया है पूरे सिलेबस का, तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। और आज अंक ही देखे जाते हैं, आपकी क्वालिटी आपके अंकों पर निर्भर करती है। आपका परिवार भी, अगर आप अच्छे अंकों से पास होते हैं तो आपका परिवार भी सम्मान करता है, आपका समाज भी सम्मान करता है, और आपके शिक्षक भी आपको सम्मान करते हैं। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ें। और यदि आप शिक्षक हैं, एक शिक्षक के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और उस क्वालिटी के अनुसार वह अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे बढ़े। देखिए शिक्षा क्या होती है, शिक्षा एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। तो चाणक्य जी फिर दोहराते हैं, कहते हैं कि चाहे आपका राजनीतिक उद्देश्य हो, चाहे आर्थिक उद्देश्य हो, और चाहे शिक्षा संबंधी उद्देश्य हो, इन तीनों उद्देश्यों को पूर्ति के लिए आपको दिन रात इकट्ठा करना पड़ेगा, और आपको बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।